हेलो स्कॉलर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब चैंपियन वुमेन जो क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट नंबर 6A में है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि 80% लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन प्रेस ऑन ऑल बेल आइकन टू गेट माय इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आइए क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 6A के चैप्टर चैंपियन वुमन को स्टार्ट करें। इस अमेजिंग स्टोरी को पढ़ने से पहले इन लाइंस को समझें। एक समय था जब भारतीय समाज में पुरुषों का ही वर्चस्व था। अब समय बदल चुका है और महिलाएं हर क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान स्थापित कर रही हैं। भारतीय खिलाड़ी महिलाएं भी अब खुद आ रही हैं, वे मेडल्स और खिताब जीतकर भारत को गौरवान्वित कर रही हैं, जो कुछ समय पहले तक मुश्किल लगता था। न केवल इन दिनों स्पोर्ट्स में भारतीय महिलाएं अधिक हैं, बल्कि वे पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। युवा लड़कियों को प्रेरित कर रही हैं जो खेलों में आगे बढ़ रही हैं और दूसरे चैंपियंस की तरह सक्सेस होना चाह रही हैं। आइए पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में। अपने ड्रीम को पूरा करने और रूढ़िवादी लोगों की मांगों के बीच लगातार स्ट्रगल करने वाली आम भारतीय महिलाओं ने धीरे धीरे सोसाइटी में अपने लिए स्थान बनाना शुरू कर दिया है। सदियों पुरानी परंपराओं से और मानदंडों से ऊपर उठते हुए तथा समझौता और बलिदान का जीवन स्थापित करके, जैसा कि उनसे नेतृत्व करने की आशा की जाती थी, से अलग हटकर भारतीय महिला की गुमनामी से पहचान तक की जर्नी दृढ़ संकल्प और साहस की एक ऐसी कहानी है जहां उन्होंने हर उस आलोचक को चुप कराने में कामयाबी हासिल की है जिसने उनके हुनर और क्षमताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत की है। जैसे कि भारतीय महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाई हैं, खेलों की दुनिया भी उनसे अलग नहीं है। एक ऐसा युग जहां दुर्लभ भारतीय खेलों का गौरव पुरुषों की घटनाओं तक ही सीमित था, महिला एथलीट्स खिलाड़ी योग्य प्रतिद्वंदी बनना तो बहुत दूर की बात थी, वे महत्वपूर्ण चैलेंज ले देने में भी फेल हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में मेरी कॉम और साइना नेहवाल इतना चमक रही हैं जितना MS धोनी या दूसरे खिलाड़ी। आइए पढ़कर ये जाने कि कैसे इन महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी। सानिया मिर्जा भारत की सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो हमेशा प्रभावशाली परिणामों के साथ इंटरनेशनल टेनिस के क्षेत्र में दिखाई दी हैं। 6 वर्ष की उम्र में वह टेनिस खेलना शुरू की और 2003 में पेशेवर खिलाड़ी बनी। अपने पिता से ट्रेनिंग लेकर सानिया जूनियर प्लेयर के रूप में 10 सिंगल्स और मैच और 13 डबल्स मैच की खिताब जीती हैं। केवल 16 साल के सानिया 2003 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी, जिसे इन्होंने विंबलडन में डबल्स इवेंट में हासिल किया। वह इंडिया की अब तक की हाईएस्ट रैंक वाली महिला खिलाड़ी हैं, जो 2007 में सिंगल्स में वर्ल्ड में 87वें नंबर पर पहुंच चुकी हैं। वह पहली ऐसी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी जो 2015 में डबल्स मैच में नंबर वन पोजिशन हासिल की। 3 बड़े मल्टी स्पोर्ट्स आयोजनों जैसे कि एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स और एफ्रो एशियन गेम्स में टोटल 14 मेडल्स इनकी गर्दन को सुशोभित किया, जिनमें 6 गोल्ड मेडल्स शामिल थे। साल 2016 के अंत तक सानिया टोटल 41 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन और 41 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन खिताब जीती। उनकी सक्सेस स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो लगातार जुनून, कड़ी मेहनत, लगातार वचनबद्धता और समर्पण से प्रेरित हैं। एक ऐसी खेल प्रतिभा जिसने 5 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू की थी, वह 23 वर्षों तक अपने नियमित प्रशिक्षण सत्र को कभी भी नहीं छोड़ी। साथ ही उसके सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के गुण ने उसे अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प और धैर्य तथा अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। वह दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के प्रसिद्ध राजदूत भी हैं।
टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए एशिया के 50 नायकों के लिस्ट में इनका नाम शामिल है। सानिया को खेलों में उनके योगदान के लिए वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन न्यू कमर ऑफ द ईयर अर्जुन अवार्ड तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दूसरी महिला खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये महिला बैडमिंटन के में वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। बचपन से ही इनको बैडमिंटन के प्रति रुचि थी। 2006 में वह एक किशोरी के रूप में तब प्रसिद्ध हुई जब ये अंडर 19 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। वर्ल्ड के नंबर वन खिलाड़ी साइना बहुत सारे चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और 2009 से टॉप 10 में अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बनाए रखी। ये 20 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी हैं जिनमें टेनिस 10 सुपर सीरीज ख्याति भी शामिल है। इस कौशल को अचीव करने वाली वह भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। ये 3 बार ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं तथा अपने सेकेंड ओलंपिक में ब्रोंज मेडल भी जीत चुकी हैं। साइना एक ऐसे इंडियन हैं जो प्रत्येक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रमुख व्यक्तिगत आयोजन और ओलंपिक BWF चैंपियनशिप तथा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स में कम से कम एक मेडल जीती हैं। यह पहली ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। अब तक की ये सीनियर खिलाड़ी के रूप में 22 अंतर्राष्ट्रीय खिताब और जूनियर के रूप में 3 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जिनमें कॉमनवेल्थ यूथ खेल और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। साइना अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त कर गौरवान्वित हो चुकी हैं। तीसरी महिला हैं मेरी कॉम। मांगटे चंग नई जंग मेरी कॉम, इनको मेरी कॉम के रूप में ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। ये एक ओलंपिक भारतीय बॉक्सर हैं। ये मणिपुर के कोम कोकी जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये ग्रामीण मणिपुर के गरीब परिवार में जन्म ली। ये सीधे साधे माहौल में बड़ी हुई, खेतों में अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हुए स्कूल जाते हुए और शुरू में गेम्स और साथ ही साथ बाद में बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लेते हुए। बॉक्सर के रूप में ये केवल एक ऐसी इंडियन महिला बॉक्सर हैं जो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही, जहां इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। ये 5 बार विश्व अव्यवसायी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं और 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में से प्रत्येक में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला बॉक्सर हैं। ये एचियोन साउथ कोरिया के 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं। मेरी कॉम को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेरी जानवर के अधिकारों के समर्थक हैं और पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया से जुड़ी हुई हैं। यह गरीब युवाओं को फ्री में बॉक्सिंग भी सिखाती हैं। 4th नंबर पर हैं बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु। इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। ये आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुलेला गोपीचंद के जीत से प्रेरित होकर 8 वर्ष की एज में बैडमिंटन खेलना शुरू की। अपने समय के सबसे युवा और प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक सिंधु 2014 में वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बना चुकी हैं। 2016 के समर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। मार्च 2015 में ये इंडिया के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड्स को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी और 2016 में ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त की। नेक्स्ट हैं साक्षी मल्लिक। ये भारत के फ्री स्टाइल रेसलर हैं। ये हरियाणा के रोहतक जिला से हैं। इनके पिता बस कंडक्टर हैं और माँ स्थानीय आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर हैं। इन्होंने 12 साल के एज में एक कोच ईश्वर दाहिया से रोहतक के छोटू राम स्टेडियम
अखाड़ा में रेसलिंग का ट्रेनिंग लेना शुरू की। 2016 के समर ओलंपिक में ये 58 के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीती और ओलंपिक में रेसलिंग के लिए मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन रेसलर तथा देश की फोर्थ फीमेल ओलंपिक मेडल विजेता रही। मल्लिका फिलहाल इंडियन रेलवे के दिल्ली डिवीजन के कमर्शियल विभाग में कार्यरत हैं और JSW स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोग्राम के एक अंग है। इन्हें 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नाम आता है फोगट सिस्टर्स का। फोगट सिस्टर्स हरियाणा की रहने वाली 6 बहनें हैं। ये सभी पहलवान हैं। इनके डेथ ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका नाम गीता, बबीता, प्रियंका, ऋतु, विनेश और संगीता है। गीता, बबीता, ऋतु और संगीता भूतपूर्व रेसलर और कोच महावीर सिंह फोगट की बेटियां हैं, जबकि प्रियंका और विनेश का पालन पोषण महावीर ने किया था जब उनके पिता, जो महावीर के भाई थे, एक विवाद में मारे गए थे। महावीर ने भिवानी जिले के बलाली गांव में इन सभी 6 बहनों को कुश्ती के लिए ट्रेनिंग दिया। 3 फोगट बहनें गीता, बबीता और विनेश राष्ट्रमंडल खेलों में अलग अलग भार वर्गों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जबकि प्रियंका एशियन चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। ऋतु राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और संगीता अपने एज लेवल में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में कई मेडल जीत चुकी हैं। फोगट बहनों की सफलता ने मीडिया का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि हरियाणा राज्य के उस जगह से हैं जहां लिंग भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां मौजूद हैं। नेक्स्ट नाम है दीपा करमकार। दीपा करमकार एक कलात्मक जिम्नास्ट हैं, यानी कसरती पहलवान हैं, जो 2016 के समर ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 की महिला वॉल्ट जिम्नास्टिक स्पर्धा में 15.066 के कुल स्कोर के साथ 4th स्थान प्राप्त किया। ये 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। खेलों के इतिहास में ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई हैं। ये केवल उन 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने प्रोडोनोवा के सफलतापूर्वक जमीन पर किया है। ये एक तरह की कठिन छलांग है जिसे वर्तमान में महिला जिम्नास्टिक में सबसे कठिन छलांग माना जाता है। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप्स में ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं और 2015 के विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहीं। ये दोनों जिम्नास्टिक इनके अपने देश के लिए पहली बार हुई। रियो ओलंपिक 2016 में इन्हें सराहनीय प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने इन्हें अगस्त 2016 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अगले नंबर पर हैं दीपा मल्लिक। दीपा मल्लिक सोनीपत जिला हरियाणा की रहने वाली एक भारतीय एथलीट है। दीपा केवल 8 साल की थी जब उसे लकवा मार दिया था, लेकिन इससे उसके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 26 वर्ष के एज में जब उसके रीढ़ की हड्डी में गांठ का पता चला, तब उसे जानलेवा ऑपरेशन कराना पड़ा। स्पाइनल ट्यूमर का पता चलने पर उससे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, लकवाग्रस्त जीवन या मौत। तब उसने जीवन चुना। तब से उसके पैर के नीचे तक का अंग लकवाग्रस्त है। दीपा ने अपने जीवन में टोटल 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक, 47 राष्ट्रीय गोल्ड मेडल्स, 5 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के रजत पदक और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ साथ विभिन्न खेल क्षेत्रों में असंख्य सम्मान पत्र और अवार्ड्स जीती हैं। ये ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जो पैरालंपिक खेलों में मेडल जीती हैं और 2016 के समर पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। उन्हें 42 साल के एज में 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इन सभी प्लेयर्स के अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो एकल या डबल खेल आयोजन में अपना स्थान बनाई हैं, जैसे कि तानिया सचदेव चेस में, अंजलि भागवत शूटिंग में, ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वैश में, हिना सिद्धू शूटिंग में और ललिता बाबर लंबी दूरी की दौड़ में। और भी कई खिलाड़ी महिलाएं हैं जिन्होंने टीम के खेल में शानदार प्रदर्शन किया है, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में। मिताली राज जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जिनका एक टेस्ट पारी में सबसे अधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और क्रिकेट इतिहास में ये सिर्फ दूसरी खिलाड़ी हैं जिसने एक दिवसीय मैच में 5000 से अधिक रन बनाई हैं। सुशीला चानू इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ये रियो ओलंपिक में टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। अदिति चौहान दिल्ली की हैं, ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं, ये इंग्लिश क्लब के लिए खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर हैं। झारखंड से बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं जो अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं, पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी जो पहले ही वर्ल्ड नंबर 1 और राष्ट्रमंडल खेल में चैंपियन हैं। ये इक्का दुक्का तीरंदाज हैं जो देश के लिए कई मेडल्स जीती हैं। प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। झारखंड की सुमराई टेटे, निकी प्रधान, कांति बा और मसीरा सुरीन जैसी हॉकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दी हैं और दे रही हैं। ये थी आपकी इंग्लिश बुक डैफोडिल की यूनिट नंबर 6A की चैप्टर चैंपियन वुमन की लैंड बाय लैंड डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर करें। इसे क्वेश्चन आंसर की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसे भी देखिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको रुको, सब्सक्राइब करके जाना भाई, अब जाओ।